सी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। 1/3 होल रेज टू द पावर -1, 1/4 होल रेज टू द पावर -1 एंड 1/6 होल रेज टू द पावर -1। तीनों की ही पावर नेगेटिव है और पावर कितनी है, तीनों की 1 है। तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल राइट, तो इनका रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 3 होल रेज टू द पावर 1, पावर 1 आप लगाएंगे नहीं इसकी, प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल 4, पावर 1 नहीं लगाएंगे, एंड 1/6 का 6 राइट, और पावर 1 किसी के भी नहीं लगेगी। अब आप सिंपली इन्हें प्लस कर सकते हैं, 6 + 4 = 10 + 3 = 13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 होल रेज टू द पावर -3, रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/3 का, 3 होल रेज टू द पावर 3। 1/2 का रेसिप्रोकल कर दीजिए बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव पावर, 2 होल रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4 होल रेज टू द पावर 3। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। 3 का क्यूब, 3 × 3 = 9 एंड 9 × 3 = 27 माइनस 2 × 2 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। अब दिस इज 27 - 8 = 19 डिवाइडेड बाय 64। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 19 होल अपॉन 64।